So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के X90 Pro डिवाइस के अंदर आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं, मीन्स की जो भी आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिख रहे हैं इसको छिपा सकते हैं। वैसे मोस्ट एप्लीकेशन में ज्यादातर लोग बच्चे वगैरह ट्राई करते हैं इसको करने में, क्योंकि देखो जो फ्री फायर वगैरह खेलते हैं गेम वगैरह ना, उनको लगता है कि इससे छुपा के रखना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हालांकि आप कोई भी हो, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन वहां से हटा के छिपानी है तो बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। वेल गाइस, चलो इसका डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस, यहाँ पर फोन के अंदर एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग थ्रू ओपन करेंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एक सेटिंग्स आपको मिलती है सिक्योरिटी का, अभी ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको यही मिलेगा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। हालांकि जो ओल्डेस्ट फोन थे उसमें आपको फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड के अंदर आपको ऐप लॉक वगैरह का ऑप्शन मिलता था, बिकॉज इसमें जो है आपको सिक्योरिटी के अंदर ही मिल जाता है सब कुछ देखने को। एक बार प्रेस करना है, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन एक ऑप्शन मिलेगा, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको हमारी जो स्क्रीन है अभी करंट टाइम पे ब्लिंक हो चुकी होगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ये सारी चीजें नहीं शो करती। तो अभी यहाँ पर आपको शो क्या हो रहा होगा, 6 डिजिट का पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा होगा। दैट मीन्स कि 6 अंकों का आप पासवर्ड बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अगर आपको पासवर्ड के मोर ऑप्शन चाहिए लाइक पैटर्न, 4 डिजिट पासवर्ड और अल्फा नंबरिंग जैसे चाहिए तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए पासवर्ड ऑप्शन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना, जिसमें तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। जिन पासवर्ड को आप फॉलोअप करना चाहते हैं उसको प्रेस करेंगे। एज एग्जाम्पल मैं पैटर्न को फॉलोअप करूंगा, आप कोई भी पासवर्ड मेथड फॉलो करें, एक बार जो पासवर्ड डालेंगे वेरीफाई न्यू पासवर्ड अगेन सेम ही आएगा, तो आपको दोबारा से उसी को रिपीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पासवर्ड का आ जाएगा ऑप्शन। ये होता क्या है, जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, मान लीजिए हाइड एप्लीकेशन भूल गए पासवर्ड इसका, तो यहाँ पर इस 2 क्वेश्चन के आंसर देके उसको किसी भी टाइम एनी टाइम उसको फॉरगेट कर सकते हैं, मीन्स कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर मैं अपने नाम का फर्स्ट एंड लास्ट डेट टाइप करके डन कर दूंगा। इसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर ऐप हाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर 2 फिंगर से भी अपने हाइड एप्लीकेशन को देख सकती है, उसके लिए इसको ऑन करिए, आगे मैं डेमो करूंगा कैसे होता है। जिन ऐप को हाइड करना है उसको इस तरह से टर्न ऑन करेंगे, एक रिमाइंडर बॉक्स आएगा, अगर ये आपको इरिटेट करता है बार बार आता है तो बॉक्स को चेक मार करके ओके करेंगे। इसके बाद ये रिमाइंडर अगेन नहीं शो करेगा, इसको सबको हाइड कर देते हैं। अब हिडन एप्लीकेशन को देखने हैं जो हमने हाइड करे हैं, उसके लिए बैक करेंगे, व्यू हिडन ऐप्स पे क्लिक करके अपने हाइड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। मैंने सेकेंड मेथड भी बताया था, 2 फिंगर को स्वाइप अप कर देना अपने होम स्क्रीन पर, आपके पास यहाँ पर ऐप हाइड का पासवर्ड मांगेगा, उसको एंटर करेंगे और यहाँ से भी इजिली आप हाइड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। आई थिंक गाइस समझे होंगे एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। एंड फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।